हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट किया है जो आप टीनेजर भी हो तो भी कर सकते हो, बड़े एज के हो तो भी कर सकते हो। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश किया, उसके बाद टोनर यूज़ किया, उसके बाद अभी एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट मॉइस्चराइज़र है और बहुत सूट करता है मेरे ऊपर। इसके बाद आपको यूज़ करना है अपना कोई भी फाउंडेशन जो आपके शेड से मिलता हुआ हो, या चाहे बीबी क्रीम, सीसी क्रीम। फ़िलहाल मैंने बीबी क्रीम यूज़ किया है और आप देख सकते हो कि मेरी चेहरे की हालत क्या है, क्योंकि इस टाइम मेरी आँखों में नींद भरी हुई है। इस टाइम मैंने अपने हाथों से ही बीबी क्रीम को डैब डैब करके इसको अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड किया है। बहुत अच्छे से और टाइम लेकर ब्लेंड कीजिए। इसके बाद मैंने ये बनाना पाउडर से अपने पूरे आँखों के साइड को सेट किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट चाहिए था और क्योंकि मेरी आँखों में बहुत सारे डार्क सर्कल है, मैंने कुछ भी कलर करेक्टर यूज़ नहीं किया है, तो थोड़ा सा इससे ना ये हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है ये आईब्रो पाउडर। इससे आईब्रो को अच्छे से शेप करना है। आप देख रहे हो कि मेरी आंखों में कट मार्क है, सॉरी मेरे आईब्रो पे कट मार्क है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है आईब्रोज़ को फील करने में, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जल्दी ही मैं माइक्रो ब्लडिंग करवाने के प्रोसेस में हूँ, जल्दी ही करवाऊँगी, तो आप लोगों के लिए वीडियो भी लेके आऊँगी। तो अभी मैंने आईब्रो पाउडर से एंगुलर ब्रश से अपने आईब्रो को फील किया है। आईब्रो को फील करते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैंने एक ब्रश से मैंने जो मेरे फेस पे बनाना पाउडर था ना, उसको मैंने अच्छे से डस्ट आउट कर लिया है, क्योंकि अब मेरे फेस पे वो सेट हो चुका है और आप खुद देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इसके बाद मैंने एक आई शेडो पैलेट लिया। इसमें से बेस कलर के लिए मैंने एक न्यूडिश वाइट कलर का एक कलर लिया था। इसके बाद मैंने जो डार्क ब्लू कलर का पेंसिल होता है, जेल पेंसिल, उससे मैंने अपने आईलिड पे, वो भी अपने लाइनर की जगह पे, हाफ लाइनर की जगह पर इसे अप्लाई किया है रफली। इसके बाद मैंने एक पतली ब्रश से इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है। बहुत ही आराम हाथों के साथ आपको ब्लेंड करना है, जिससे कि आपका जो ये लाइनर है ना अच्छे से ब्लेंड हो जाए और स्मजी लुक दे। तो फुर्सत से अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी आंखें भी बुरी ना लगे, अच्छी लगे। वैसे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है, आप किसी भी तरह के आउटफिट पर इसको पहन सकते हो, लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैंने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आई शेडो मैंने अपनी साड़ी के साथ भी यूज़ किया था। तो आप चाहो तो ये आई लुक साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, या सूट के साथ भी, या जीन्स के साथ भी। तो इस तरीके से आपको करते जाना है, अच्छे से ब्लेंड आउट करते रहना है। इसके बाद आपको इस एक ब्रश की सहायता से आपको अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है, जिससे कि कुछ भी हार्श ना दिखे। और फिर मैंने जो कॉपरिश गोल्डन कलर होती है ना, वो मैंने लिया है सेम पैलेट से, और इससे मैंने अपने जो इनर कॉर्नर के एरिया से अपने हाफ आईलिड पर अप्लाई किया है। तो ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, जिससे ये बुरा ना लगे, अच्छा लगे। उसके बाद नीचे जो लोअर लैश लाइन है, वहाँ पे भी मैंने इसको अप्लाई किया है और सेम आई शेडो पैलेट से मैंने अप्लाई किया है। आज के वीडियो में मैं कोई काजल यूज़ नहीं करने वाली हूँ, लाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आप देखते जाओ, फिर भी मेरी आंखें बहुत ही अच्छी दिखने वाली है। इसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, और मस्कारा अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि 2 कोट 3 कोट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉल्स लैस नहीं लगाया है। वैसे भी मैं ज़्यादातर वीडियो में फॉल्स लैस नहीं यूज़ करती हूँ, मैंने इक्का दुक्का ही वीडियो में फॉल्स लैस यूज़ किया है। ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है ये मस्कारा, और मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसके लगाने के बाद ना आईलैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मैंने ब्लश लगाया है और इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाया है। आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हो या ब्रश का यूज़ कर सकते हो, और जो जो हाईलाइट की जगह थी वो सब जगह पे मैंने हाइलाइटर लगाया है, जिससे मेरी फेस है ना थोड़ी सी ग्लोई सी लगे। मीन्स मेकअप में हाइलाइटर नहीं किया ना तो क्या किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्लश को अवॉइड करके मैं हमेशा हाइलाइटर लगाऊँ, क्योंकि मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है आजकल। तो जो जो हाइलाइटर पॉइंट होते हैं ना, उन सब जगह पे मैंने हाइलाइटर लगा लिया है अच्छे से। और आप देख सकते हो कि आईब्रो को फील करने के बाद ही मेरे कट मार्क पर थोड़ी सी हल्की है, तो जल्दी ही इसका कुछ करूँगी। इसके बाद मैंने थोड़ा सा न्यूड कलर का ये लिपस्टिक लगाया था, लिक्विड लिपस्टिक, बट ये कलर मुझे बहुत पसंद नहीं आया, तो मैंने इस पर थोड़ी सी कारीगरी की है, यानी थोड़ा सा जुगाड़ किया है। तो आप देखते जाओ, ये जुगाड़ आप भी कर सकते हो। इस पर मैंने थोड़ी सी पिंक आई शेडो अप्लाई की है, जिससे कि इस लिपस्टिक का कलर जो है ना वो चेंज हो गया है और इस लुक के साथ ये अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैं इस लुक में आँखों को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती थी और लिप्स को कम, तो आँखों को ज़्यादा मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने, मेरे बाल अभी बहुत छोटे मैंने कर लिए हैं, तो इस हिसाब से मैंने सिंपल से हेयर स्टाइल बनाए हैं। तो जस्ट मैंने, आप देख सकते हो कैसे छोटी छोटी लेयर ली है, उसको टिप टैप से एकदम सिक्योर कर दिया है और बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी लग रही थी। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप मुझे ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और अगर कुछ कमी लगे तो मुझे भी बताना, ताकि मैं भी आप लोगों से कुछ नया सीखने की कोशिश करूँ। ये सारा मैंने अपने घर पर खुद से एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा बताने में कि मैं सच्ची में कैसी लग रही हूँ। तो फिर मैंने इस तरीके से बालों को सिक्योर कर लिया है, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है, और मैंने थोड़ा सा एक लेयर आगे निकाल लिया है, जिससे थोड़ा सा स्टाइल हो जाए हेयर का। और बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे बाल मैंने बहुत छोटे कर लिए हैं, बहुत छोटे, शोल्डर से थोड़े से नीचे। ये रहा मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हो, लिंक सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।